अली ग्लोरा पर पत्थर सोलह दुनिया भोसरी आंधी आई भागिंग दिस खेते खेत मारिंग दिस लाठी भागिंग दिस खेत फोड़म दिस कपार भागम दिस लहरिया खेत। एक तो भैया हमारे मोदी जी रविन्द्रनाथ टैगोर बनने बन गए आसाराम मतलब हम विधवे हो जाए हाँ। वही हमारे मोदी जी मतलब सबको अपने जैसा बनाए। कैसे है मोदी? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहान अल्लाह हमाम में सब नंगे। छोटे मियाँ हो गए योगी जी भद हो गया अब भैया गुरु घूर चेला चिन्नी योगी जी नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हाँ। मतलब विज्ञान को भी विज्ञान का भी बांस कर दिया। योगी जी बोले हैं तो कुछ सोच समझ के बोले होंगे। हमको एक बात समझ में नहीं आया योगी टाइप का लोग कुछ सोचो समझ के बोलता है और आपको प्लांट व्लांट अब लगाने की जरूरत नहीं है। तो आईटीएन ने उनको जवाब दिया एक पदाधिकारी ने कि बोला कि सर कुछ करने की जरूरत नहीं है नाइट्रोजन का नाम बदल के ऑक्सीजन कर देने की। देश भर में ऑक्सीजन का अभाव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभावना तलाश करने को कहा है कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन कैसे बनाया जाए कन्वर्ट किया जाए। सर अब ट्वीट किया अब हमको एक बात समझ में नहीं आती है नरेंद्र मोदी जी कभी बच्चों को ज्ञान दे रहे थे मन की बात में कि पहले हार्ड क्वेश्चन को सोल्व करो। अब हमको लगा कि हम इतना दिन पढ़े अमेरिका कहाँ कहाँ पढ़े जो क्वेश्चन हमको याद रहता है या जो हमको लगता है कि जल्दी से सोल्व करते जाएं ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको 20 लाइन में या 40 लाइन में ही लिखना हो तो हमको लगता है कि पहले उसको सोल्व कर लो। अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तो एक मन में रहेगा कि चलो एक क्वेश्चन था चार क्वेश्चन था सात क्वेश्चन में या आठ क्वेश्चन में पाँच हमने सोल्व कर लिया। अब जो हार्ड क्वेश्चन है जिसमें भी हम चुनेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड कौन है उससे सेकेंड कौन है तो फिर हम नीचे से उसको देखेंगे। अब मोदी जी मन की बात में कह रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन पहले मतलब 3 घंटा हमको एक ही क्वेश्चन में लगा देना है हाँ ताकि दूसरा चौथा कोई ऐसा कोई भी ऐसी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमारे पास भक्ति न बचे। तो पता चला कि 15 और 20 मार्क्स के लायक भी हम नहीं बचे मतलब भूस्कोल विद्यार्थी गत्ता मोट। वो गांव घर में कहावत है गए ना गोर लगे एक विधवा माँ थी कहीं बैठी भी पैर छुए तो कल के नूनू जा हमरे है नहीं है राउर का करो अब तो हम कहली गोर लगे तनी दादी तो ठीक है बा जान हमरे जसन हो जाइ बूढ़ा हाँ तो मन विधवा थे गोर लगे तो गोर लगे तो बोला हमरे जसन हो जाइ तो मतलब हम विधवे हो जाए हाँ। वही हमारे मोदी जी मतलब सबको अपने जैसा बनाए। कैसे है मोदी? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहान अल्लाह हमाम में सब नंगे। छोटे मियाँ हो गए योगी जी भद हो गया अब भैया गुरु घूर चेला चिन्नी हाँ अली ग्लोरा पर पत्थर सोलह दुनिया भोसरी आंधी आई भागिंग दिस खेते खेत मारिंग दिस लाठी भागिंग दिस खेत फोड़म दिस कपार भागम दिस लहरिया खेत। अब इनको गाली देने के अलावे हिंदू मियाँ करने के अलावे नफरत पैदा करने के अलावे दूसरा कोई डिक्शनरी पढ़ा ही नहीं चैप्टर उल्टा ही नहीं कहाँ से भाग के आया किसका शिष्य और चेला बन गया ओगरी करके हिंदू मियाँ करके भाजपा जैसा दल कोई तभी था नहीं तो ये बाबा ओघर बन गया जोगी। अब ओघर के मन में कहाँ ओघर शमशान में कहाँ कहाँ वो ओघर हो गया ये कहा अपना हम जोगी मन जगा नहीं कहावत है नगा लला कपड़ा दाढ़ी बना के बनी गला बकरा। तो एक तो भैया हमारे मोदी जी रविन्द्रनाथ टैगोर बनने बन गए आसाराम। अब यहाँ बेचारे जोगी जी नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हाँ। मतलब विज्ञान को भी विज्ञान का भी बांस कर दिया। माने बन सकता है कि नहीं सर हम उन्हें जानते हैं हद हो गया भैया हम तो कुछ मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो हम मतलब हमको एक बात योगी जी बोले हैं तो कुछ सोच समझ के बोले हमको एक बात समझ में नहीं आया योगी टाइप का लोग कुछ सोचो समझ के बोलता है
उसको तो एक एक कहानी आता है, मार दो काट दो, और उसको क्या पता था कि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन। तो भैया शोध का विषय है जोगी जी, और हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी इस सती का सबसे बड़ा बेस्ट पुरस्कार, और आपको प्लांट व्लांट अब लगाने की जरूरत नहीं है। तो आईटीएन ने उनको जवाब दिया, एक पदाधिकारी ने, कि बोला कि सर कुछ करने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन का नाम बदल के ऑक्सीजन कर देने की जरूरत। तो धन्यवाद, नमस्कार। नामे बदल दिया, नामे बदल दिया, उसका नाम ही चेंज कर दिया। चेंज करने में तो भाई रही है जोगी जी, हाँ सबका नाम बदल दो है, चुनाव हो उत्तर प्रदेश में, तो हद हो गया इसमें, काहे ला चिंता करते हैं, हम कल करेंगे। ममता तैयार है, वो तैयार है। हाँ चलिए, तो पप्पू यादव जी बोले हैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन वाला, पर उससे आप कितने सहमत हैं, और कुछ अच्छा बात भी बोले सुनवे क्यों होंगे, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा के कीजिए। सफ़र जारी है, जय भीम जय भारत।